नमस्कार, मैं निखिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस के सम्राट के तौर पर ताजपोशी की गई। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उन्होंने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने उन्हें आर्सेनिक का विष देकर मार डाला। आज के दिन 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के मुंबई आगमन की ही याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख नगर मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। इसके वास्तुलिपि जॉर्ज विंटेंट थे। यह सन 1924 में बनकर तैयार हुआ। आज के दिन 1979 में विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ वीपी सिंह भारत गणराज्य के 8वें प्रधानमंत्री थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे 2 दिसंबर 1979 से 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। वे राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह पिछड़ी जातियों में सुधार करने की कोशिश के लिए जाने जाते हैं। आज ही के दिन 1971 में 7 अमीरातों के संघ के रूप में संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई का गठन हुआ। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। सन 1947 तक यह ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। उसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग से संचालित होने लगा। 1971 में फारस की खाड़ी के 7 शेख अबू धाबी, शारजा, दुबई, उम अल कुवैन, अजमान, फुजरई तथा रस अल खैमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई। 1971 से पहले संयुक्त अरब अमीरात को युद्ध विराम सदी राज्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व से दास प्रथा को समाप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों में सन 1833 में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए आईएमटी मीडिया।